मुझे बड़ी शुक्रिया बेबी आपका। सारी भैने नाम ही को सालू सालू ते सफी सफी नहीं सफी लागो क्यों मारना तो वो तो छोटा सा सफी आपने आते ही अपने बाबा को जूते मरवाए हैं उन्हें समझ ही ना दिए हाँ दस आसान रोजिया पेपर कब है तो अगर कोरोना वायरस हुआ तो फिर भी उन्होंने फाइनल कर दिया कि पेपर्स देंगे तो आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो परफेक्ट रखो ना ताकि इतना ना वो आपको खपना ना पड़े मैथ में आपका इंटरेस्ट भी नहीं ना हो है ना साइंस उर्दू में फिर तो इजी है यार कौन बाजी भाई जोर कितने दिन बाद वॉश कर रही है बाल को अब तो गर्मी है ना क्या हफ्ते बाद अल्लाह रोजी इस वजह से भी डैंड्रफ होती है और बालों बालों की जो ग्रोथ है ना ये इस तरह गंदा रखने से भी होती है दो दिन बाद ना लाजमी मुझे तो आगे से लग रही है थोड़ी सी और थोड़े वो हैवी भी लग रहे हैं सीरियसली क्योंकि मैं हमें दो तीन बार बाद मैंने देखा ना सारा आपका डर मैं तो डर ही जाती कर क्या रही हूँ मैं तो देख रही हूँ तो मेरे तो सात साल में खाना शुरू हो गया पानी पीना है हम इसको पानी दो और
उसके लंबे हुए हैं ना, उनको वो लाइफ वॉश सूट कर गया मेरे हम ना, बाजी बता रही थी मुझे सबको, सारी फैमिली को। नहीं आप वो यूज करके देखो आप, क्योंकि हम ना के भी बाल आपकी तरह पतले हैं ना, उसने भी यूज किया, वो कह रही मुझे मतलब फर्क महसूस हुआ है। खजूर ये खजूर नहीं है, अनाया तो कुछ जानना नहीं है। ऑयल कोई नहीं, आपी ऑयल तेल नहीं दे दो, थोड़ा सा दे दियो। इधर बाहर नहीं आया आपके ये दीदी थी, खुद ही तो कह रही थी, फिर बताया तो था बिल्कुल खाली है। मैं कब की थी नीचे, जब यहाँ से मेरे यहाँ से बात होगी पता नहीं, शायद माहत भी रहते हैं, माहत को पता नहीं क्या, उनको फोन ना पता नहीं कौन से, पता नहीं कहाँ से लेके आई थी वो, एक ट्यूब थी पता नहीं, वो बहुत अजीब थी, उन्होंने कहा था यहाँ पे लगाओ तो मेरा निशान चला जाएगा, वो ना लगा के ना जैसे करंट टाइप की साड़ी होती वैसे लगता था। रोजिया पता ये जो आपको पिम्पल्स निकल रहे हैं ना, ये वैसे टीन एज में निकलते हैं, आप टीन एज में हो ना, तो आप इसके ऊपर ना कुछ भी करने की बजाय ना कुछ भी क्रीम लगाने की बजाय ये जो टूथपेस्ट नहीं है ये लगा लो, अगर ये नहीं तो जो बेसन नहीं है बेसन पकोड़ों वाला वो यूज करो, उसके अंदर तो बिल्कुल केमिकल नहीं है ना होगा, कोई क्रीम ना लगाना, जो भी बताएगा ना कि ये वाली क्रीम लगाओ, मेरा ऐसे ही बिगाड़ हुआ था। लेकिन आपकी स्किन तो बिल्कुल साफ है, वो आपकी एज में मुझे इतने इतने मोटे वो जो पीक वाले दाने नहीं होते वो निकले हैं मुझे अभी भी, मुझे चिक्स ये चिन के नीचे देखो मुझे निकलते हैं, जब मैं ये गर्म चीजें वगैरह यूज करती हूँ जैसे मैंगो है या खजूर है तो मुझे फौरी इफेक्ट हो जाता है, या पराठा में यूज करूंगी तो जल्दी पता नहीं चलता। और आप अपना टावल से मुंह ना साफ करो, मैं मुंह धोती नहीं हूं, चलो गंदी हो रही मुंह ना धोने से भी पिंपल्स निकलते हैं, क्योंकि स्किन जो है ना जब अंदर पोर्स के अंदर ऑयल होगा तो फिर उसके अलावा दिन भर में डस्ट कितनी जाती है पोर्स के अंदर, तो उसकी हाँ उसी वजह से निकल रहे हैं। या आपने किसी का मेकअप यूज किया है, किसी का मेकअप लड़कियां यूज कर रहे हैं ना स्पंज वगैरह, या किसी का फेस पाउडर, किसी की क्रीम, वो आगे से हाँ तो उससे होता है। हम बेरियानी में लड़कियां घर तो लेती है ना, हाँ तो लिपस्टिक वगैरह भी किसी की करें ना तो उससे भी खराब हो जाते हैं, हम लोग इन चीज़ों को वो नहीं, फिर हम कहते हैं हमें दाने निकालना शुरू हो गए हैं, हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी होता है, लेकिन एक ये भी पर्पज है जो पिंपल्स है ना इसकी वजह से भी होती है। मैंने तो वैसे कम ही अभी देखे हैं, मैंने पिछले वो और तो नहीं किया, ये नहीं पिछले दिनों में, अच्छा पिछले दिनों में इतने ज्यादा निकले होते ना, इतने बैग यहाँ से बिल्कुल सुपर अलग से हो गए, इसमें नोज बनी कराए, इसका निशान है
अच्छा तो फिर आप इसके ऊपर वो टूथपेस्ट ना वो लगाओ, ये बेसन के साथ मुंह धो जी जो है। बेसन से तो मुझे लग रहा हो जाएगी आपको, क्योंकि बेसन से ना मैं भी यूज कर रही हूँ बेसन से। ये जो मुंह पे स्किन पे बाल ना छोटे छोटे होते हैं जिस तरह वो यार लुई टाइप होते हैं बाल जो ये ब्लीच करती हैं लड़कियां, मेरे भी इस तरह है ना, मेरे बड़े ज्यादा नहीं है तो मेरे तो वो बाल उससे उतर रही हैं, मुझे बड़ा फर्क पड़ रहा है। लेकिन उसके लिए यार अभी मेरे सामने अगर बेसन आया तो मुझे दो, मैं आपको लगा के बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम।